हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक पावर सेविंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये वीडियो चालू करने से पहले आप लोग को याद करा दूं, आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेने से क्या होगा, चैनल थोड़ा ग्रोथ करेगा और वो लंबी अपना वीडियो वगैरह बढ़ाते रहेंगे। अगर मेंबरशिप नहीं लेंगे तो फिर इसमें चैनल अपन चलाने में बड़ा दिक्कत जाता है, और आप लोग को मालूम है किस टाइप का दिक्कत जाता है, पहले भी कई बार बोला हुआ। और आज पावर सेविंग के बारे में बता रहे हैं, रिम फ्रेम एरिया में बता रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान रखो एक स्पिनिंग यूनिट का जितना भी यूनिट्स आता है, यूनिट जितना भी आता है पावर का, ये आता है 50% आता है एक्सेप्ट रिम फ्रेम। रिम फ्रेम छोड़ के बाकी खाता का, और 50% आता है ओनली रिम फ्रेम। तो इसीलिए पीपा ट्री का जितना मशीन है, ऑटो कलर है, YCB है, सब मिला मिल के जितना पावर खर्चा होता है वो उतना ही बराबर का रिम फ्रेम में अकेला खींचता है। तो इसलिए हर जगह रिम फ्रेम का एरिया के ऊपर प्रेशर डालते कि कैसे रिम फ्रेम का एरिया अपन पावर वगैरह बराबर इसका मतलब खर्चा हो, कहीं ज़्यादा पावर खर्चा ना हो, इस चक्कर में इसके लिए बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव देखो, टू रिड्यूस UKG। अल्टीमेटली आपके पावर का जहाँ मिसयूज होता है, अगर आप देख लोगे तो इसको सही कर सकते हो, और वो सही करोगे तो यूनिट पर KG कम आएगा। डायरेक्ट फाइनेंशियल गेन, अगर यूनिट आपका कम आएगा तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट में जाएगा, मिल कोई लॉसेस में नहीं जाएगा। टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन, जैसे बार बार बंद हो, कोई ब्रेकडाउन हो, कोई प्रॉब्लम आ तो आए, जैसे मोटर का मतलब करंट ज़्यादा ले रहा था, जल गया तो फालतू में बंद होगा तो यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। तो यूटिलाइजेशन बढ़ाने में काम आता है फॉर स्मूथ वर्किंग। सब लोग कोई रिम फ्रेम का मोटर बार बार ट्रिप होता है, ट्रिप होने से क्या होता है मालूम है, उसका साइड कट जाता है, फिर साइड मेंडिंग करना पड़ता है, फिर पूरा खाते का लड़कों को इकट्ठा करते हैं, फिर लेके उसमें धागा जुड़वाते हैं, कुल मिला के वो कोई मजा वाली बात नहीं रहता है। उसमें क्या पंखा और स्ट्रेनिमा फिर फैन भी बहुत बन जाता है, तो सब प्रकार का प्रॉब्लम आता है अगर बार बार मशीन ट्रिप हो तो। वो अगर अवॉइड कर देंगे तो स्मूथ वर्किंग रहेगा। टू सेव मोटर्स फ्रॉम बर्निंग, ये जो मोटर का वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग जल जाता है, जो तांबे का तार रहता है, एल्युमिनियम का तार रहता है, जो भी रहता है, अगर मोटर ज़्यादा ओवरलोड हुआ, ज़्यादा करंट खींचा तो उसका वायर सब जल जाएगा, और जो वाइंडिंग जल जाएगा फिर इसको रिवाइंडिंग के लिए दोगे, मशीन भी बंद रहेगा, खर्चा भी होगा। तो इसको भी अवॉइड करेंगे तब जाके होगा, और कैसे अवॉइड करेंगे वो भी बताऊंगा आपको, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। टू इनक्रीज प्रोडक्टिविटी, जैसे आपकी डाउन टाइम काम रहेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ब्रेकेज नहीं रहेगा और बार बार ट्रिपिंग नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। टू अवॉइड अननेसेसरी ब्रेकडाउंस, फालतू की जो ब्रेकडाउन का होता है, समझ लो रात को कोई मोटर खराब हुआ तो रात को तो सही हो नहीं पाएगा, वो दिन में ही होगा, तो उसके लिए क्या होता है, डाउन टाइम कम हो जाएगा अगर मोटर वगैरह का अपन हेल्दी रखेंगे। और मेंटेनेंस शेड्यूल टू कीप परफेक्ट, मेंटेनेंस शेड्यूल क्या क्या काम आता है इसमें, इलेक्ट्रिकल पावर सेविंग में, समझ लो आपकी रिम फ्रेम मशीन का मेन शाफ्ट होता है, उसका बेयरिंग ख़राब है, या उसका जो फैन मोटर में उसका फैन का बेयरिंग ख़राब है, या रिम फ्रेम का अंदर गियर के अंदर कोई ज़्यादा टाइट मशीन है, या गियर के अंदर कोई बेयरिंग डैमेज है, तो उसमें क्या होता है, करंट ज़्यादा लेता है, फिर वही बर्निंग वाला इशू आता है, मोटर जल जाता है। इन्वर्टर क्लीनिंग टू कीप परफेक्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट देखो, समझ लो इन्वर्टर क्लीनिंग नहीं करेगा तो वो ज़्यादा करंट खींचेगा, और ज़्यादा करंट खींचने से फिर मोटर ट्रिप होता है, कभी कभी जल भी जाता है। तो इन्वर्टर अगर आपके पास लगा हुआ तो इसको सफाई करके रखना, बराबर प्रेशर से क्लीनिंग करना, उसमें फ्लाई फ्लॉप माइक्रोडस सब निकल जाए तब अच्छा रहता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स टू कीप वेल कंडीशन, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जितना तुम्हारा कंट्रैक्टर है या जो भी इलेक्ट्रिकल सामान रहता है उसमें परफेक्ट रखना जरूरी है।
और सबसे बड़ा चीज़ देखो, ये जो पावर जो होता है किसका ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ स्पिंडल्स पर फ्रेम, तो कितने स्पिंडल का रिंग फ्रेम है उसी हिसाब से पावर खींचेगा। नंबर ऑफ स्पिंडल ज़्यादा होगा पावर ज़्यादा लेगा। काउंट ऑन टीपीआई, समझ लो काउंट फाइन काउंट है तो उसमें क्या करंट ज़्यादा खींचेगा फाइन काउंट में, इसमें क्योंकि टीपीआई ज़्यादा रहता है, वो कोर्स काउंट में कम लेगा। रिंग डाया एंड लिफ्ट, रिंग डाया छोटा रहेगा तो यन टेंशन कम रहेगा तो उसमें आपकी पावर कम लेगा, और लिफ्ट भी अगर कम रहेगा उसमें भी पावर कम खर्चा करेगा। कार्डेड और कोम्ड, कार्डेड का मटेरियल है या कोम्ड में, कार्डेड में क्या होता है टीपीआई ज़्यादा देना पड़ता है, कोम्ड में कम देना पड़ता है, तो इसमें पावर ज़्यादा खींचेगा इसमें कम खींचेगा। वार्प और होजियरी, वार्प काउंट होगा तो उसमें टीपीआई ज़्यादा जाएगा, होजियर में कम जाएगा तो वार्प में पावर ज़्यादा जाएगा। इन्वर्टर और डुअल मोटर, अगर इन्वर्टर सिस्टम है तो उसमें पावर कम खर्च होगा, डबल मोटर वाला सिस्टम होगा तो उसमें ज़्यादा आएगा। स्पिंडल वेट एंड स्पीड, जो स्पिंडल स्पीड होता है अगर आपके स्टेप वाइज भरा हुआ, जब स्पिंडल स्पीड समझ लो एक मशीन में आप 20,000 चलाते हो, एक में 17,000 चला रहे हो, सेम काउंट सेम टिपे वगैरह होगा तो 17,000 वाला में कम लेगा। और स्पिंडल वेट, स्पिंडल वेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना करंट ज़्यादा खींचेगा। तो कोई कोई आदमी तो स्पिंडल वेट कम करने के लिए लाइट वेट स्पिंडल डालते हैं। मोटर रोटर गेजिंग टाइम, समझ लो मोटर के जो रोटर होता है उसमें दोनों साइड में बियरिंग रहता है, टाइमली ग्रीजिंग होना चाहिए, कोई शाफ्ट भी खराब होगा शाफ्ट का भी सही करना चाहिए। अगर इसका सही से मेंटेन करके रखोगे तो मोटर का रिवाइंडिंग जो वाइंडिंग जलेगा नहीं, बार बार नहीं करना पड़ेगा रिवाइंडिंग। मशीन मैकेनिकल स्टेटस, वही मैकेनिकल स्टेटस मतलब हर जगह बियरिंग वगैरह सही रहना चाहिए, और वो गियर वगैरह मशीन बराबर होनी चाहिए, ग्रीज वगैरह तेल वगैरह लगाना चाहिए। वर्किंग ऑफ रिम फ्रेम, रिम फ्रेम जितना बढ़िया वर्किंग रहता है उतना करंट कम खींचेगा। समझो आपकी रिम फ्रेम बहुत ज़्यादा ब्रेकेज है तो फैन वॉश में जाएगा सब फाइबर, फाइबर जाएगा फैन जाम हो जाएगा, फैन मोटर ट्रिप हो जाएगा, ये सब दिक्कत आएगा। वर्किंग से भी रिलेटेड है आज पर मटेरियल सिंथेटिक और कॉटन, तो आप ध्यान रखना सिंथेटिक में कम करंट लेगा कॉटन में ज़्यादा लेगा। और रिंग रेल पोजीशन, रिंग रेल जितना ऊपर ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा करंट खींचेगा। फॉर फैन मोटर आज पर स्पिंडल्स, फैन मोटर आपके कितना स्पिंडल का रिंग फ्रेम है उसी हिसाब से वो लगता है। आपको एग्जांपल बोलता हूँ, देखो समझ लो आपके पास 20 रिंग फ्रेम है और सब एक जैसा काउंट है या दो तीन काउंट है, जो सेम काउंट का है सेम काउंट का मशीन टू मशीन सबका करंट नापेगा। अगर समझ लो सेम काउंट है सेम स्पिंडल है सेम टीपीआई है, अगर कोई एक मशीन ज़्यादा करंट खींचता है तो इसका मतलब मशीन में कमी है। और मशीन का कमी कैसे पकड़ोगे मालूम है, समझ लो मशीन में करंट ज़्यादा खींच रहा है, एक बार क्या करना खाली मोटर बेल्ट उतार के चेक करना, मोटर में कितना किलोवाट का मोटर कितना लेना चाहिए करंट वो दिख जाएगा। अगर मोटर बराबर करंट खींचता है तो मशीन का दिक्कत है, मतलब मशीन का बेयरिंग जाम है या शाफ्ट वर्न आउट है या मशीन का गियरिंग मैस है वो मालूम पड़ जाएगा। समझ लो मतलब जो मोटर में ज़्यादा करंट लेता है तो मोटर का रोटर खुलवाओ, इसको ग्रीजिंग वगैरह कराओ, शाफ्ट वगैरह चेक करो, वो सब होगा। मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसे करना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, समझ लो नंबर ऑफ स्पिंडल 1000 है एक मशीन, तो 3.5 किलोवाट का आपकी फैन मोटर लगा या 5 HP हो गया और करंट हो गया 6 से 7 एम्पियर, मेन मोटर हो गया 30 किलोवाट, मेन मोटर HP हो गया 40 HP और करंट हो गया रेड येलो ब्लू वाला जो 54 से 60। ये आप ध्यान रखो, मोटा मोटा एक हिसाब बताता हूँ, किलोवाट इंटू 1.35 HP आ जाएगा, ठीक है, और किलोवाट इंटू 1.8 करंट कितना लेगा वो आ जाएगा। और करंट हमेशा ध्यान रखना स्टार्टिंग में ज़्यादा लेता है, जैसे इंचिंग करते हैं ना ज़्यादा लेता है, बाद में जैसे रनिंग में आ जाता है कम आ जाता है, और बॉटम में करंट कम आता है, जैसे जैसे स्टेप बढ़ बढ़ के जाएगा तो
तो करंट ज़्यादा ज़्यादा लेने लगेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा रहता है, समझ लो 80% डब भर गया, 80 के बाद खाली ट्रिपिंग होगा, ट्रिपिंग होता है मशीन, तो इसको क्या करना, 80% की टाइम पे थोड़ा स्पीड कम कर देना और बटन में थोड़ा बढ़ा देना, और ट्रिपिंग का समस्या दूर हो जाएगा। ऐसे ये हो गया, आपकी फार्मूला बता दिया, समझ लो 1000 स्पिंडल का है, 3.5 किलोवाट का फैन मोटर लगा, 5 HP का, 6 से 7 एम्पियर करंट रहेगा, रेड येलो ब्लू वाला जो तार नापते हैं मीटर में, और मेन मोटर समझ लो 30 किलोवाट है, मेन मोटर HP हो गया 40 HP, करंट लगा 54 से 60 एम्पियर, ये होता है स्टैंडर्ड जैसा है। और समझ लो आपकी 54 से 60 एम्पियर लेना चाहिए, किसी में 70 आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा, फिर इसको चेक करना पड़ेगा आपको। और 1200 एम्पियर का समझ लो 5 किलोवाट का है, 7.5 HP से 8 HP आ गया, 9 से 10 एम्पियर उसका पावर खींचेगा फैन मोटर, और 45 किलोवाट का समझ लो मेन मोटर आ गया, 60 HP का मोटर आ गया, 80 से 85 एम्पियर उसका करंट लेना चाहिए। वो ऐसे 1824 का आजकल आ गया, बड़ा बड़ा रिम फ्रेम लंबी लंबी, तो इसमें देखो दो फैन रहता है, 1824 जैसा है ना, आपको बता दूँ एक बार, देखो 1824 का जो रहता है बिल्कुल उसका दो पार्ट होता है, बीच में गियर वगैरह रहता है, जैसे ये हो गया 1824 का, ठीक है, एक सेक्शन रहता है बड़ा सेक्शन, एक रहता है छोटा, ठीक है, और यहाँ यहाँ पे भी गियर बगर रहता है, यह भी गियर बगर रहता है, इस साइड में जो फैन मोटर रहता है ना कम है करके, फैन मोटर 4 किलोवाट का लगता है, और इस साइड में जो फैन मोटर रहेगा वो 6.5 किलोवाट का रहता है। तो एग्जाम्पल समझ लो 1824 में दो मोटर हो गए, फैन मोटर एक 4 का एक 6.5 का, तो HP पे हो गया 5.5 HP 8.5 HP, और करंट लगा 7 और 12 एम्पियर। इसका मेन मोटर देखो 90 किलोवाट का है, मतलब 120 HP का, तो 165 एम्पियर करीब करंट लगा। तो ये जो करंट लेता है, समझ लो आपने समझ लो मतलब टाइमली ब्रिजिंग करोगे, टाइमली मेंटेनेंस करोगे, और ये सब चीज़ नहीं रहेगा। अभी पता एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, कोई मोटर का समझ लो रोटर ख़राब है, रोटर बेयरिंग, तो रोटर बेयरिंग कभी भी ध्यान रखना, अगर ख़राब है तो दोनों साइड का एक साथ चेंज कर देना, ऐसा नहीं कि एक थोड़ा ठीक है, एक बेयरिंग डाल दिया, एक बेयरिंग छोड़ गया, तो उसमें क्या होता है, वो ख़राब वाला तो ख़राब होगा ही, उसके साथ साथ नया वाला भी ख़राब कर देगा। तो इसीलिए ये मेंटेन करके रखने के लिए आप मैकेनिकल कंडीशन मशीन का अच्छा रखना है, मोटर टाइम पे ग्रीजिंग करना है, इन्वर्टर क्लीनिंग करना है बार बार, ताकि वो ठंडा रहे, ट्रिपिंग ना हो, और ट्रिपिंग के लिए स्पीड पैटर्न में जो रिवाइज कर सकते हो टेक्निकल आदमी से बात करके रखना। जैसे समझ लो आपने अगर स्पिंडल ज़्यादा है और मोटर छोटा लगा दिया, वो भी दिक्कत जाएगा, बार बार ट्रिप रहेगा। जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेड मोटर का किलोवाट है स्पिंडल के हिसाब से, इसको लगाने का, अगर आप रिकमेंडेड मोटर का हिसाब से मतलब किलोवाट का मोटर नहीं लगाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम बार बार आएगा। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, थैंक यू।